बिना चिप वाले एटीएम धारकों को मिली राहत, बैंक ने किया बड़ा बदलाव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश की कई बैंकों में 31 दिसंबर के बाद में बिना चिप वाले एटीएम कार्ड बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन बहुत एटीएम धारक परेशान थे और बैंक की तरफ से बिना चिप वाले एटीएम धारकों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब 31 दिसंबर के बाद में बिना चिप वाले एटीएम भी चलेंगे, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यह खबर की पुष्टि की है। हम आपको बता दें कि आरबीआई ने यह घोषणा की थी कि सभी बैंकों के एटीएम कार्ड से लेकर फ्रॉड को लेकर यह सुविधा जारी की थी, जिसमें कि चिप एटीएम बनाए गए हैं और चिप वाले एटीएम के जरिए ग्राहकों की सारी इन्फॉर्मेशन इस कार्ड में रहेगी और जब भी एटीएम का उपयोग करेंगे तक अपनी जानकारी के द्वारा ही एटीएम से पैसे निकाले जाएंगे और बिना चिप वाले एटीएम बंद हो जाएंगे और आरबीआई ने इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर दी थी। लेकिन कुछ खाताधारकों के पास बिना एटीएम ही हैं, उनके पास उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बिना चिप वाले एटीएम बंद नहीं किए जा रहे हैं। जिनके पास नए एटीएम आ रहे हैं, उनके एटीएम 72 घंटे में बंद हो जाएंगे और वह नए एटीएम का उपयोग कर सकेंगे। बिना चिप वाले एटीएम में मैग्नेटिक स्ट्रिप को कोई भी कॉपी करके पैसे निकाल सकता था, लेकिन चिप वाले एटीएम से बहुत कम फ्रॉड हो जाएगा और जिससे हैकर्स को पैसे चुराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।